केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया कोविड 19 महामारी प्रबंधन का नया प्रोटोकॉल। मंत्रालय के सचिव ने कहा, देश में लगातार बढ़ रही है रिकवरी रेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कोरोना स्थिति की समीक्षा। कहा, प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच हो रहा है अच्छा असर। प्रदेश में कल कोरोना के 2121 नए मामले आए सामने, 15 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत 83% से ज्यादा हुआ मतदान। सबसे ज्यादा जैसलमेर पंचायत समिति में डाले गए वोट। चौथे चरण के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी। और थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। 4 दोषियों को आजीवन कारावास और 1 को सुनाई गई 5 साल की सजा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड 19 महामारी प्रबंधन को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना के चरम को लेकर अनुमान लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह सकारात्मकता की दर घटकर 6.82% हो गई है। 8 राज्यों के 25 जिलों में 48% संक्रमित मरीज पाए गए हैं। विभाग की ओर से कहा गया कि देश में रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। इस सप्ताह के टेस्ट्स की संख्या को देखें तो 80 लाख टेस्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस जो हैं, यानी ऐसे लोग जो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन से 10 लाख से नीचे बनी हुई है। इसके बारे में विस्तार में हम आपको आगे बताएंगे। और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और 84% अभी वर्तमान में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच अच्छा असर हो रहा है। लोग मास्क पहनने और उचित दूरी रखने की पालना के साथ मास्क वितरण के काम में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान वितरित किए जा रहे मास्क गुणवत्ता युक्त हो ताकि संक्रमण को रोकने का उद्देश्य पूरा हो सके। प्रदेश में कल कोरोना के 2121 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,48,316 हो गया है, जबकि 15 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,574 हो गया है। दूसरी तरफ प्रदेश में कल कोरोना से एक ही दिन में 2,027 मरीज रिकवर हुए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,25,448 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अभी 21,294 एक्टिव केस मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 469 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिले में सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 292, अलवर में 196, बीकानेर में 155, भीलवाड़ा में 151, अजमेर में 146, उदयपुर में 145 और सीकर में 85 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड टीम ने शहर में कोरोना जागरूकता संदेश के लिए फ्लैग मार्च निकाला। रिजर्व पुलिस बल लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में DGP भूपेंद्र यादव, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने निर्भया टीम को रवाना किया। और हमें लाइन से रवाना किया गया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते आप उनको रोड पर जाइए और मास्क का वितरण करिए, जिससे कोरोना का फैलाव कम हो। हर जगह बोर्ड लगा है कि नो मास्क नो एंट्री। सर, आज DG साहब लाइन में पधारे थे, जिन्होंने हरी झंडी दे के निर्भया को रवाना किया और जो भी फील्ड में बिना मास्क के दिखेंगे उनको मास्क वितरित करेंगे। पूरे दिन यही प्रोग्राम रहेगा।
प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर जहां राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में जोधपुर शहर में एक अनूठा मास्क बैंक संचालित किया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को हर तरह के मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बैंक का टर्नओवर करीब 2500 मास्क रोज देने का है। गांधी जयंती पर खुले इस बैंक में सभी धर्म और जाति के लोग भागीदारी निभा रहे हैं। हम लोग जन जागरूकता अभियान को घर घर तक, जन जन तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस, इस थीम के ऊपर काम किया जाएगा ताकि कोरोना का संक्रमण को रोका जा सके। जैसा कि आपको विदित है कि जोधपुर ज़िले के अंदर और ख़ास करके शहर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आमतौर पर ये देखने को महसूस हो रहा है कि तीन कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला अवेयरनेस है। अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें अगले कुछ दिनों में डेली कोई ना कोई एक्टिविटी किसी ना किसी प्रकार से आम जन तक पहुंचना है। अवेयरनेस आने के बाद SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन। इसमें भी मास्क पे हम इसलिए बल दे रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम अपनाते हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कई जानी मानी हस्तियां भी लोगों को इस संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील कर रही है। नागौर के वन्य जीव प्रेमी और पर्यावरणविद पद्मश्री हिम्मत राम भामू ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपील की है। उन्होंने कहा, सभी लोगों को अब इसी महामारी के कारण स्थिति बड़ी गड़बड़ है, इसलिए सभी को मास्क की एक उपाय है। बाकी अभी कोई वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक हर आदमी को, हर मानव को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए और ये मास्क लगा करके घर से बाहर निकलना चाहिए। और जितना भी आदमी बच सकेगा वो इस मास्क की वजह से ही बच सकेगा। और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, 1 मीटर की दूरी पर रहें हर आदमी से, सावधान रहें और हाथ धोते रहें। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज हनुमानगढ़ में कोरोना रोकथाम प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन कर जागरूकता रथ को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने कोरोना रोकथाम प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक ली। मंत्री कल्ला ने इस दौरान कोरोना की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया। दौरे के अंतर्गत कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले, आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर के चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है। वहीं शहरवासी भी इस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक नजर आने लगे हैं। महामारी, कोविड नामक महामारी जो फैली हुई है पूरे संसार में, ये एक, इसमें कोई बीच में कोई वाहक नहीं है। इस बीमारी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये बीमारी जाती है और ये सांस के जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें हवा में जाते हुए और ये दूसरे पर्सन को बीमार करती है। मतलब ये एक तरह से इसका संक्रमण अत्यधिक ज़्यादा है। तो इसके लिए एक तरह से अभी तक तो हमारे पास कोई टीका आया नहीं है, तो एक बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, नो मास्क नो एंट्री,
तो हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे कोई और दूसरे कार्यालय हो, सब में ही ये चीज़ कही जा रही है कि मास्क अति अति आवश्यक है। क्योंकि अब कुछ सब कुछ खुल चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लापरवाह बन जाए, तो हमें मास्क पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों को इंस्पायर करिए कि आप सब पहने, और जो लोग नहीं पहन पाते हैं, जिनके पास नहीं पैसे, उन्हें प्रोवाइड करवाइए। मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और जब भी घर से बाहर जाए अपने पूरी सावधानी का ख्याल रखें, मास्क जरूर साथ लेकर। डेली रूटीन में हो गया कि मास्क लगाओ और वर्क करो, सब प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगा दें जिससे उनकी खुद की सुरक्षा हो सके और दूसरों की भी सुरक्षा रह सके। जयपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने सफाई कर्मियों सहित अन्य कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तो इस बात का परिचय कि जो टीम वर्क जो इन्होंने यहाँ विकसित किया है और पुलिस में सभी जगह, कि किसी भी तरह का जो अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे लोग, जो दफ्तरों में हों, थानों पर हैं, आर्म्ड बटालियंस में हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कुक हैं, कोई भी काम कर रहे हों, पर ये जो महामारी का दौर है इसमें सब ने मिल के एक परिवार के तौर पर, एक टीम के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, उसका एक्नॉलेजमेंट भी है, उसका आभार व्यक्त भी है। और आगे चूंकि ये अभी जारी रहेगी ये समस्या और से निपटने के प्रयास हमारे, तो उसके लिए अपनी तैयारी भी है। हमें बहुत अच्छा लगा आज हमारा सम्मान हुआ। सर हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमारा सम्मान हुआ है। हम सब थाने पे ऑफिसों में जो सब कभी आज तक मिले नहीं, एक साथ मिलान हुआ हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड 19 से बचाव की ओर डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया को, देखते हैं क्या है यह पहल। वैश्विक महामारी कोविड 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। देश की 33 पंचायत समितियों की 942 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के लिए कल तीसरे चरण के चुनाव के तहत 83.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सर्वाधिक मतदान जैसलमेर पंचायत समिति में 92.14% हुआ। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मतदाताओं का आभार जताया है।
पंचायत राज संस्थाओं के चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जिलों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पर्यवेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। झालावाड़ जिले में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने की। प्रभारी मंत्री ने जिले के मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित जागरूकता अभियान में पोस्टर का विमोचन किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इसके बाद प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने शहर की सड़कों पर निकलकर दुकानदारों और नागरिकों को मास्क वितरित किए और सामाजिक दूरी का पालन करने का संदेश दिया। लोगों को मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देश के बड़े डॉक्टरों से वीसी हुई थी माननीय गहलोत साहब की, और मुख्यमंत्री जी लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी को हम रोकें। तो उस वीसी के अंदर जो एक चीज़ निकल के आई वो यही है कि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है, इसलिए अभियान पूरे राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में नगर निगम ड्रोन सर्वे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उनकी मौजूदगी में नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मास्क संबंधी एहतियात बरतने का संकल्प दिलाया गया। ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है भरतपुर शहर का, जिसकी वजह से कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बन सके और 5-6 डिपार्टमेंट जो काम करते हैं जनहित के, पब्लिक के, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट के साथ काम कर सके। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में इन दिनों विद्युतीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे दिल्ली जयपुर रूट पर दिवाली के बाद बिजली से संचालित ट्रेन शुरू करने की उम्मीद जता रहा है। जयपुर मंडल की DRM मंजूषा जैन ने बताया कि मंडल में अलग अलग स्थानों पर विद्युतीकरण का काम जारी है। दिल्ली जयपुर रूट पर 65% काम पूरा कर लिया गया है। विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है और न केवल रेलवे बोर्ड से बल्कि हमारे महाप्रबंधक के भी नेतृत्व में इस पर टारगेट डेट्स फिक्स करी गई हैं और पूरी प्रयत्न चल रहे हैं कि हम वो टारगेट डेट जो कि नवंबर में है उसके अनुसार हम इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिल्ली से जयपुर ला सकें। ये दिल्ली से जयपुर के जो बीच का ट्रैक है उसमें करीब 65% काम तो पूरा है और शेष जो काम है वो भी अंतिम चरण में है। उसमें उम्मीद है हमको कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक ये काम ख़त्म हो सकेगा, जिससे कि हम मिड नवंबर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन को हम दिल्ली से ला सकें। अभी कोविड के जो संक्रमण इतने तेज़ी से बढ़ा हुआ है उसमें मेरी आम जन से सबसे ये निवेदन है कि कृपया अपने को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ अपने साथ के इर्द गिर्द के सभी लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए आप पूरी सावधानी बरतें। आपकी जिम्मेदारी केवल आप तक नहीं सीमित है, आपकी ये जिम्मेदारी हर उस इंसान तक जाती है जो आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं, चाहे वो परिवार में हो और या वो आपके इर्द गिर्द काम के क्षेत्र में हो या सड़क पर किसी परिवहन में हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव करवाने से डर रही है, इसीलिए बार बार न्यायालय की शरण में जा रही है। उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। दोहरा चरित्र राजस्थान सरकार अपना रही है। एक तरफ न्यायालय के अंदर जाके कह रही है कि हमें समय देना चाहिए, संक्रमण फैल रहा है, और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों के चुनाव सरकार करा रही है। तो जब ग्राम पंचायतों के चुनाव सरकार करा रही है तो फिर नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम क्यों कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, सिर्फ अंकों की गणित के अंदर सरकार बनी हुई है और ये सिंबल से डर इनको लगने लगा है कि अब सिंबल के ऊपर जब चुनाव होंगे तो जनता अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति उस मत के माध्यम से करेगी। और निश्चित रूप से आप मान के चलो कि स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम सिंबल के ऊपर अगर चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत समितियों के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो और चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा।
अलवर जिले के थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने 5 आरोपियों को सजा का ऐलान किया है। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण ब्रजेश कुमार की अदालत ने अशोक छोटेलाल मुकेश को 5 वर्ष की सजा दी। इसके अलावा आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। फैसला है, किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने क्वांटम अभी कोर्ट नहीं दिया है। पीड़ित पक्ष को कुछ राहत फैसले का अध्ययन हमने भी किया नहीं, हमारे हाथ नहीं आया है, बट हमें उम्मीद है कि पीड़िता को और उसके परिजनों को जो न्याय मिला है और उससे उनके घाव हैं जो उन पर मरहम लगेगी थोड़ी सी, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, औरों को भी इससे संबल मिलेगा जो इस प्रकार के सर्वाइवर्स हैं इस इन घटनाओं के। यही मैं सबसे पहले तो मैं न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो गुनहगार थे उन गुनहगारों को कानून के दायरे के अंदर सजा देने का काम किया, और होना भी यही चाहिए कि अगर न्याय के अंदर देरी है तो फिर उसको न्याय नहीं कह सकते, फिर तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका विलम्ब इस बात को प्रमाणित करता है कि समय पर मिला हुआ न्याय न्याय कहलाता है। और दूसरी बात, आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से दुष्कर्मों की लगातार एक श्रृंखला बन चुकी है, तो जब तक डर और भय नहीं होगा तब तक उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए झुंझुनू जिले की मंडावा तहसील के जवान राजकुमार जांगिड का कल उनके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अरुणाचल सीमा के 222 फील्ड रेजिमेंट में सीमा पर हाई लॉन्ग पर तैनात राजकुमार जांगिड शहीद हो गए थे। वह पिछले 16 साल से सेना में सेवाएं दे रहे थे। मंडावा में अपने शहीद नायक के डीएमटी राजकुमार साहब के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। आज बहुत दुख की बात है कि हमारा नौजवान मंडावा था अपने ड्यूटी में और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए शहीद हो गए। इनकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश डिंगली वैली में नॉर्थन बॉर्डर पे जो हमारी सेना अभी तैनात है वहाँ पे थी। ये मीडियम गन के मेंटेनेंस और ऑपरेशन में काम कर रहे थे और वही हादसा हुआ। डूंगरपुर जिले में पिछले माह नेशनल हाईवे 8 पर हुए उपद्रव के मामले में सदर थाना पुलिस ने 16 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों को डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों से गिरफ्तार किया है। हिंसा के मामले में अब तक 115 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सदर थाने के CI चांदमल सिंगारिया ने बताया कि सदर पुलिस ने अब तक 66, बिछीवाड़ा पुलिस ने 29 और दोवड़ा थाना पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तोड़ फोड़ आगजनी और ये करने के लिए जो उकसाव भाषण दिए गए इसमें उमेश डामोर को आज गिरफ्तार किया गया इसी में और उसको विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अभी की गई। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज पर देख सकते हैं तथा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया COVID-19 महामारी प्रबंधन का नया प्रोटोकॉल। मंत्रालय के सचिव ने कहा देश में लगातार बढ़ रही है रिकवरी रेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कोरोना स्थिति की समीक्षा, कहा प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान का लोगों के बीच हो रहा है अच्छा असर। प्रदेश में कल कोरोना के 2121 नए मामले आए सामने, 15 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत 83% से ज्यादा हुआ मतदान, सबसे ज्यादा जैसलमेर पंचायत समिति में डाले गए वोट। चौथे चरण के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी।
और थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। चार दोषियों को आजीवन कारावास और एक को सुनाई गई 5 साल की सजा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।